हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है इवनिंग का, शाम का 5, तो गुड इवनिंग। और अभी मैं रख के आई हूँ अपनी किचन में घी गरम करने के लिए, क्योंकि मैं जो मलाई होती है ना दूध के ऊपर से जो मलाई होती है वो उतार के मैं घर पे घी बना लेती हूँ। वैसे मार्केट से मंगाती हूँ मैं, क्योंकि इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं ना रिफाइंड जैसे पूड़ी हुआ, पराठे हुए, और जो भी मतलब रिफाइंड ऑयल की चीज़ें जो बनती हैं रिफाइंड में, वो मैं रिफाइंड में नहीं बनाती हूँ। मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ, मैं घी यूज़ करती हूँ। तो मैं घी मंगाती हूँ मार्केट से, जो मैं घर पे घी बनाती हूँ उससे जो रोटी वोटी पर लगाने के लिए, वो मैं घर वाला यूज़ करती हूँ। जो मलाई उतरती है ना घी की दूध के ऊपर से, उसका मैं 15 दिन की मैं पूरी मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ। तो 15 दिन की मलाई का मैं घी बना लेती हूँ। सो मैं रख के आई हूँ अभी घी बनने के लिए, वो हो जाएगा तो फिर मैं उसको छान लूँगी और शाम की फिर तैयारी करूँगी, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। तो शाम की तैयारी करूँगी मैं सब्जी वब्जी की। देखिए क्या बनाते हैं। वैसे मेरे पास सब्जी तो बहुत पड़ी है, बैंगन बनाऊँगी। देखो बैंगन आलू का बनाऊँगी। सो फ्रेंड्स, देखिए मैं आ गई हूँ अभी अपनी किचन में। और ये देखिए, आपको दिख रहा होगा मेरा इधर हो रहा है घी गरम। और मेरी ये 15 से 16 दिन की मलाई थी। सो बस वैसे बहुत से आप सबका ना अपना अपना तरीका होता है घी गरम करने का, लेकिन मेरा ये है, मैं सिर्फ जो मलाई दूध को उतारती हूँ वही खट्टी करती रहती हूँ, उसी को फिर गरम कर देती हूँ, तो मेरा घी ऐसा निकल आता है। देखिए कोई कोई लोग तो ऐसा करते हैं कि उसको जमा देते हैं, फिर उसको ऐसे चला के उसमें से जो घी निकलता है, जो मक्खन बोलते हैं उसको गर्म करते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ जो घी होता है ना, सॉरी मलाई होती है ना, उसी को ऐसे ही सिंपल तरीके से गर्म कर लेती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मेरा घी ऊपर आ गया। ये देखिए, ये मेरा घी बिल्कुल अब रेडी हो चुका है, अच्छी तरह से बिल्कुल ऊपर आ गया है। और मैं अब ये इस बड़ी चम्मच से इसको ऐसे घी घी को पूरे को इस कंटेनर में निकाल लूँगी, छान लूँगी मतलब, और स्टील की छलनी से ही छान लूँगी, क्योंकि अगर प्लास्टिक की छलनी छानेंगे तो वो पिघलने का डर रहता है। सो तो देखिए, एक कंटेनर मैं रख रखा है, स्टील की छलनी रखी हुई है, और इसी में छान लूँगी मैं घी को। ये देखिए ये हो चुका, बस थोड़ा सा ही ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको इसमें छान के रख दूँगी। और देखिए कितना अच्छा कलर आया, जितना भी घी है ना सारा वो ऊपर आ गया है। सो चलिए फ्रेंड्स, छान लेते हैं घी। और बताइएगा कौन कौन मेरे तरीके से घी निकालता है। मैं तो सिर्फ मलाई का घी निकालती हूँ और अच्छा खासा घी निकल आता है अच्छे तरीके से। और ये देखिए, अब मैं आ गई हूँ दोबारा से अपनी किचन में। और ये 2 टमाटर लिए मैं, 2 हरी मिर्ची ली हैं, और 2 आलू लिए हैं, और 1 ये बैंगन लिया है। मैंने आपको बोला था ना कि मैं बैंगन की सब्जी बनाऊँगी। सो चलिए फ्रेंड्स, काट लेते हैं सब्जी। देखिए ये कट चुकी है हमारी सब्जी, और इधर मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है। इसमें मैंने हींग, ज़ीरा और हल्दी भी डाल दिया। अब मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर, जो काटे थे मैंने टमाटर, और फिर थोड़ा सा टमाटर जब भुन जाएंगे तो फिर मैं इसमें जो आलू बैंगन जो है वो सब डाल दूँगी। और ये देखिए, ये सब कुछ मैंने डाल दिया है। अब इसको सबको कर देंगे अच्छे से मिक्स, और इसमें करेंगे थोड़ा सा पानी, और जो बाकी मसाले होते हैं बाकी वो भी डाल दूँगी, जैसे कि मिर्ची, नमक। बस ज़्यादा मैं ज़्यादा मसाले नहीं ज़्यादा डालती मैं सब्जियों में, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं। सो मैं ऐसे ही ज़्यादा मसाले वाली सब्जी नहीं बनाती, सिंपल ही बनाती हूँ। और लाल मिर्ची मैं बहुत कम डालती हूँ, बोलते हैं कि लाल मिर्च ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, थोड़े नुकसान करती हैं, हरी मिर्ची ज़्यादा खानी चाहिए। तो मैं हरी मिर्ची मैंने 2 डाल दी हैं इसमें। सो लाल मिर्ची मैं बहुत ही थोड़ी सी डालूँगी। और इधर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी कर दिया है। अभी मैं नमक और मिर्ची हल्की सी डाल के फिर इसको पकने दूँगी।